खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज सुबह जब नींद खुली, आंखें खुली, तो खुली की खुली रह गई। हर कोई टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर एनकाउंटर की खबर देखकर चौंक गया। हाल के दिनों में यह दूसरा मौका था जब सुबह सुबह किसी खबर ने पूरे देश को सकते में ला दिया हो। याद कीजिए, जब देवेंद्र फडणवीस ने अचानक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और आज सुबह सोकर उठते ही जब यह पता चला कि हैदराबाद के चारों आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है, हो सकता है इस पूरी घटना की डिटेल अब तक आपको पता नहीं चल पाई होगी। तो हमने पूरी छानबीन के बाद आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप पांच हेडलाइंस देख लें। एनकाउंटर के मानव अधिकार के सवाल पर पुलिस कमिश्नर का जवाब, यही कह सकता हूं कानून ने अपना काम किया। साइबराबाद पुलिस का बयान आया है, एनकाउंटर के दौरान दो पुलिसकर्मी जख्मी, सर में चोट लगी लेकिन गोली नहीं लगी। मारे गए आरोपियों के शव की डीएनए जांच होगी, परिवार को सौंपे जाएंगे आरोपियों के शव। मौके पर जाने से पहले आरोपियों के हाथों में नहीं लगी थी हथकड़ी, करीब 10 मिनट तक फायरिंग चली। घटनास्थल पर जहां रेप पीड़िता को जलाया गया था, आज सुबह वहीं पर हुआ है एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस, तेलंगाना पुलिस से इधर 10 दिन में घर के दिया। अभी मैं मध्य प्रदेश पुलिस को, बंगाल का पुलिस को मैं चैलेंज दे रहा हूँ, जो लड़कियों के साथ ये इंसिडेंट किया ना, करके दिखाओ। जो तेलंगाना पुलिस करके दिया ना, वही करके दिखाओ। देश भर में आज सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो खुली ही रह गई। जैसे जैसे दिन चढ़ा, तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस की जय जयकार होने लगी। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे, सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करे तो, फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करे तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। आप तस्वीरें देखेंगे, ये वही जगह है जहां पर हैदराबाद की इस बेटी को बेरहमी के साथ जलाया गया। और इसी जगह पर जब सीन को रिक्रिएशन करने के लिए इन आरोपियों को यहां पर लाया गया, तो उस वक्त वे भागने की कोशिश करते हैं और तब एनकाउंटर में मारे जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे पुलिस की गाड़ियां यहां पर मौजूद है मौके पर, और वैन में उन्हें लाया गया था। इस वक्त क्राइम सीन पर आपको बताते हैं कि ये वही जगह है जहां पर रिक्रिएशन के लाया गया था, यानी कोई भी अगर केस का इन्वेस्टिगेशन होता है तो आरोपियों को उस क्राइम सीन पर ले जाया जाता है जहां पर रिक्रिएशन किया जाता है। हैदराबाद की वारदात के बाद आरोपियों के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा था। पुलिस सुबह ही आरोपियों को एक बस में लेकर घटना स्थल पर पहुंची। सुबह 5:30 बजे चारों आरोपियों को पुलिस मौके पर ले गई। बस से उतरते ही दो आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीने। आरोपी आरिफ ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। दूसरे आरोपियों ने रॉड और पत्थर से पुलिस पर हमला किया। अरविंद गौड़ और वेंकटेश्वर नाम के दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। चारों आरोपियों ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की। भागते हुए आरोपी वहां मौजूद 10 पुलिस वालों पर अटैक करते रहे, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में चारों आरोपी मारे गए। तो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको हमको अटैक करने स्टार्ट किया, और हमारा जो दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। तो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया, हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करे तो, फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करे तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। पुलिस ने आरोपियों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो हमला करने लगे। मजबूरी में पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। ये लोग, दो लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे, A1 मोहम्मद के पास और A4 चिंतकुंटा चन्नकृष्ण के पास हमारा दो वेपन्स मिले। और इस मामले में हमारा दो ऑफिसर्स भी, एक SI और एक कांस्टेबल भी, SI वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड़ भी इंजर्ड हुआ। इन दोनों को हम लोग लोकल हॉस्पिटल को चेकअप के लिए भेजे। घटनास्थल पर झाड़ियों के बीच से पुलिस ने कई सामान बरामद किए।
पीड़ित लड़की का फोन भी बरामद हुआ है, पीड़ित का पावर बैंक और घड़ी भी मिली है। साइबराबाद पुलिस का कहना है कि वो सीन रिक्रिएट करने नहीं गई थी, बल्कि पीड़ित लड़की के सामान की तलाश में गई थी और इसी बीच आरोपियों ने भागने की कोशिश की। अगर ये आरोपी, बलात्कार के आरोपी भाग जाते, हमेशा के लिए केवल साइबराबाद पुलिस पर नहीं, इस पूरे भारत की पुलिस पर, उनकी वर्दी पर एक बहुत बड़ा कलंक होता। पुलिस को आशंका है कि इन आरोपियों ने दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दिया होगा, इसीलिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से वैसा डाटा मंगवाया जा रहा है जहां महिलाओं को हत्या के बाद जला दिया गया। ये सब कुछ 10 मिनट में हुआ। जब आरोपियों को घटना स्थल पर लाया गया तो चारों एक साथ हो गए और मिलकर पुलिस पर अटैक कर दिया। जवाबी कार्रवाई में चारों मारे गए और रात की इस घटना की खबर सुबह जब लोगों को मिली तो पुलिस पर फूलों की बरसात होने लगी। लगातार जो है पुलिस के खिलाफ जो है एक तरह से गुस्सा पूरे सिटी में देखा जा रहा था, और उसके बाद अब आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में ये भावनाएं हैं। लगातार पुलिस के लिए जो है सल्यूट के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं इस साइड की, और ना सिर्फ यहां पर बल्कि जगह जगह पर साइबराबाद पुलिस के समर्थन में जो है नारे लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कुचला कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, एबीपी न्यूज हैदराबाद। अब मैं अपनी बात आगे रखने से पहले आपको कुछ आंकड़े, न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार के आंकड़े समझाना चाहती हूं। 2017 की शुरुआत में कुल पेंडिंग रेप केसेस पता है आपको कितने थे? 117,451, याद रखिएगा इसे, 117,451। और उसी साल यानी 2017 में ही 28,750 नए रेप केसेस दर्ज हुए। कितने? 28,750। और सिर्फ 18,099 केसेस में फैसला हुआ, यानी पिछले सालों के दर्ज मुकदमों को आप छोड़ दीजिए, उस साल के नए केसेस का भी निपटारा नहीं हुआ। इस धीमी रफ्तार की वजह से देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर सवाल है। लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि अदालतों में मामले सुलझते नहीं हैं, इंसाफ नहीं मिलता है। हैदराबाद गैंगरेप के बाद लोग एक सख्त मिसाल की मांग कर रहे थे और यह एनकाउंटर हो गया, मास्टर स्ट्रोक। यू एनकाउंटर पर जज्बाती ना होते अगर न्याय के रास्ते में कांटे ना होते।